बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 20 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 17 बैठकें रखी गई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 6 मार्च को अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगे। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का भी भाषण होगा। उसके बाद 7 सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार होगा। कोरोना के बीच हो रहे बजट सत्र में नियमों का ध्यान रखा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने बताया कि कोरोना के बीच ये बजट सत्र भी शुरू हो रहा है, जिसको देखते हुए कोरोना के प्रोटोकॉल के नियमों का पालन किया जाएगा। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही सदस्य, प्रेस व अन्य स्टाफ विधानसभा परिसर में आ सकेंगे। बजट सत्र जो है वो 26 तारीख से शुरू होगा और ये 20 मार्च तक चलेगा। 17 इसमें नियमित बैठकें होंगी। 26 तारीख को माननीय गवर्नर महोदय अभिभाषण के रूप में इस सदन में अपनी बात रखेंगे। तदोपरांत 1 मार्च के बाद उस पर चर्चा होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय 6 तारीख को बजट की प्रस्तुति करेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि अब तक जो जानकारी मिली है उसमें हमारे विधायकों ने अपने विधानसभा से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे हैं और उससे मुझे ये लगता है कि हमारे विधायक महोदय अपने इलाके के प्रति बहुत जागरूक है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना के जो नियम हैं उनकी पालना हम करेंगे, चाहे वो मास्क की बात हो, हाथों को धोने की बात हो, 2 गज की दूरी की बात हो, या जो आगंतुक विधानसभा में विधानसभा को देखने के लिए आते हैं उनसे हमने एक अपील के माध्यम से आग्रह किया है कि वो ना आए। हाँ, जो हिमाचल प्रदेश के लोग प्रतिनिधि मंडल के रूप में मुख्यमंत्री महोदय से मिलना चाहते हैं, यहाँ एक अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है, वहाँ पर सत्र के उपरांत वो अपनी बात रख सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो।